Good morning, students. I am your new science teacher, and today we will study chapter number 5, separation of substances. But first tell me, what is separation? Okay, separation means alag karna, right? Kisi cheez ko alag karna is separation. Okay, तो हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे एक वार्म अप एक्टिविटी के साथ. सीमा मेड अ कप ऑफ टी बाय पुटिंग सम टी लीव्स इन बॉइलिंग वाटर एंड अ क्रश्ड पीस ऑफ जिंजर. देन शी एडेड शुगर एंड मिल्क टू इट. आफ्टर द टी वॉज मेड शी सेपरेटेड द यूज्ड टी लीव्स एंड जिंजर फ्रॉम इट बिफोर ड्रिंकिंग. ओके, सो यहाँ पे टी मेकिंग प्रोसेस बताई गई है कि हम टी कैसे बनाते हैं. इसमें एक एग्जाम्पल है, सीमा टी बना रही है. उन्होंने टी कैसे बनाई? उन्होंने वाटर लिया, उसे बॉयल करा, उसमें टी लीव्स ऐड करी, जिंजर ऐड किया, शुगर ऐड की एंड मिल्क ऐड किया, और सब कुछ ऐड करने के बाद उन्होंने उसे बॉयल होने के लिए छोड़ दिया. और जब टी बनी, टी बनने के बाद उन्होंने उस टी में से टी लीव्स और जिंजर को अलग कर दिया. ओके, सो देर आर थ्री क्वेश्चंस नाउ, लाइक व्हाई डिड सीमा सेपरेट द टी लीव्स एंड जिंजर फ्रॉम द मिक्सचर. सीमा ने टी लीव्स और जिंजर को सेपरेट क्यों कर दिया? ओके, लेट्स सपोज़ कि आपकी मदर ने टी बनाई. उन्होंने सेम प्रोसेस को फॉलो किया, वाटर लिया, टी लीव्स डाली, जिंजर डाली, शुगर डाला, मिल्क डाला और टी उन्होंने बना ली. उसके बाद आपने देखा होगा कि वो एक सीव, छन्नी, उसे सीव बोलते हैं, उसकी हेल्प से वो जो लिक्विड पार्ट होता है टी का वो ऑब्टेन कर लेती हैं, बट जो सॉलिड पार्ट होता है लाइक टी लीव्स, जिंजर, वो उसे अलग कर देती हैं, राइट? सो वो उसको अलग क्यों करती हैं? बिकॉज चाय में टी लीव्स और जिंजर तो नहीं पियेंगे, राइट? सो उन्होंने अनवांटेड सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए वो टी को फिल्टर करती हैं. सो यहाँ पे हमारी टी लीव्स एंड जिंजर आर दी अनवांटेड सब्सटेंसेस जिन्हें सीमा सेपरेट कर देती हैं फ्रॉम द टी मिक्सचर. ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड सीमा यूज टू रिमूव द टी लीव्स इन जिंजर. उन्होंने कैसे इन सब्सटेंसेस को सेपरेट किया? उन्होंने एक सीव की हेल्प से इनको सेपरेट किया, सीव की हेल्प से. And why did Seema separate the tea leaves? To remove unwanted substances. Right? Now, the third question is, did the tea soap prepared have the flavor of ginger? Okay, हमने tea leaves और ginger को तो अलग कर दिया, और जो हमारे पास tea बची, क्या उसमें ginger का flavor होता है? यस, होता है. ओके, सो मूविंग फर्दर, जस्ट एज सीमा फिल्टर्ड द टी टू सेपरेट यूज टी लीव्स, वी कम अक्रॉस वेरियस अदर इंस्टेंसेस वेयर वी नीड टू सेपरेट थिंग्स. ओके, सो इस प्रोसेस से हमें ये तो पता चल गया कि लाइक अगर हम टी बना रहे हैं तो हमें उसमें से टी लीव्स और जिंजर अलग करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो अनवांटेड सब्सटेंस है, वी वांट ओनली टी. ओके, सो मैं इसका एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ. लाइक सपोज कि आपकी मदर ने वेज पुलाव बनाए और उसमें कई सारे वेजिटेबल्स हैं इंक्लूडिंग पीज. ओके, बट यू डोंट लाइक पीज, आपको पीज पसंद नहीं, तो आप क्या करोगे? आप उसे हटा दोगे, राइट? यू जस्ट पिक इट अप एंड थ्रो इट, और यू जस्ट सेपरेट द पीज फ्रॉम द पुलाव. ओके, सो आपने ऐसा क्यों किया? बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू ईट पीज, आपको पीज पसंद नहीं, इसलिए आपने ऐसा कर लिया.
ओके, सो इसका कंक्लूजन ये है कि देयर इज़ अ नीड टू सेपरेट थिंग्स. ओके, वी नीड टू सेपरेट थिंग्स ताकि हम उन चीज़ों को सेपरेट कर सके जो हमें नहीं चाहिए, टू सेपरेट दी अनवांटेड थिंग्स. ओके, और टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस. ओके, सो हम अब रीजंस पढ़ेंगे कि हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस करते क्यों हैं. सो द फर्स्ट रीज़न इज टू रिमूव नॉन यूजफुल और हार्मफुल कंपोनेंट्स. ओके, एंड दस पीज आर रिमूव्ड फ्रॉम देयर पॉट्स बाय पीलिंग देम. आफ्टर पीलिंग द टू कंपोनेंट्स फॉर्म्ड आर पी शेल्स एंड पीज. द पीज आर यूजफुल वेयर एज द पी शेल्स have no food value and hence are discarded. Okay, so इसमें एक example दिया हुआ है, like अगर आपने कभी मटर छीले हों या फिर अपने घर में अपनी मदर को देखी हो कि वो कैसे पीस छिलती हैं, तो वो क्या करती हैं, like वो एक पी का शेल लेती हैं, फिर उसे टीयर करके जो पीस होते हैं उनके अंदर उनको वो अलग रख लेती हैं और जो उनके छिलके होते हैं उनको वो अलग कर देती हैं, right? और इसमें छिलकों का कुछ रोल नहीं है, उनका कोई यूज़ नहीं है, वो लाइक एज अ वेस्ट है, वो अनवांटेड है. और बल्कि जो पीस हैं वो हमारे ईटेबल हैं और हमारे फूड में हेल्प आ जाते हैं. सो पॉइंट ये था कि पहला रीज़न ये है कि हम अनवांटेड पार्टिकल को सेपरेट करते हैं. लाइक इसमें हमने मटर छीले, मटर को रख लिया एक साइड पर और जो छिलके हैं उन्हें फेंक दिया. ओके, सेकेंड रीज़न टू गेट द यूजफुल कंपोनेंट. ओके, सो इन दिस केस व्हेन मिल्क, क्रीम और कर्ड इज चर्न्ड, इट सेपरेट्स इनटू बटर एंड बटर मिल्क. बोथ द पार्ट्स आर यूजफुल. ओके, सो आपने कभी ये भी देखा होगा कि आपकी मदर या फिर दादी नानी मिल्क क्रीम को लाइक कॉन्टिन्यूसली मिक्स करती रहती है. चर्न्ड मीन्स टू मिक्स. ओके, चर्न मीन टू मिक्स. वो उसको कॉन्स्टेंटली मिक्स करती रहती है, मिक्स करती रहती है. एंड आफ्टर सम टाइम वी गेट बटर एंड बटर मिल्क. एंड बोथ बटर एंड बटर मिल्क आर यूजफुल. सो इन दिस केस हमें सेपरेशन करने के बाद दो कंपोनेंट्स मिले, बट वो दोनों कंपोनेंट्स हमारे यूजफुल हैं. ओके, फर्स्ट केस में हमने सेपरेट किया, उसमें एक सब्सटेंस यूज़फुल नहीं था तो हमने उसे फेंक दिया. ओके, और एक जो यूज़फुल था उसे हमने रख लिया. सेकेंड रीज़न में दोनों सब्सटेंसेस यूज़फुल थे. ओके, सो अब हमारा थर्ड रीज़न है टू ऑब्टेन प्योर सैम्पल्स. मैनी टाइम्स वी नीड द प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस विच कैन बी ऑब्टेन बाय रिमूविंग इम्प्योरिटीज. ओके, सो जैसे टी के केस में हमने देखा, हमने उसमें इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर दिया था, हमने टी लीव्स और जिंजर को रिमूव करके बस टी रखी अपने पास. ओके, सो दीज आर थ्री रीजन्स कि हम सब्सटेंसेस को सेपरेट क्यों करते हैं. नाउ ओके, आफ्टर रीडिंग दिस हमें ये पता चला कि कुछ नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ प्योर सैंपल्स होते हैं, राइट? सो नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज़ प्योर सैंपल और व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंस, राइट? ओके, सो अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल इज़ नोन एज प्योर सब्सटेंस. ऐसा सब्सटेंस जो कि सिर्फ एक टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हो और वो फर्दर ब्रेक डाउन ना हो सकता हो. ओके, लाइक शुगर, सॉल्ट. आपने शुगर के लाइक क्रिस्टल्स तो देखे ही होंगे, क्या वो? सो वो जो है वो प्योर सब्सटेंसेस का एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल, शुगर एंड कॉमन सॉल्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आर प्योर सब्सटेंसेस. ओके, इन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स लाइक जो हम एज अ
जो हम क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, वो लाइक शुगर आपने देखी होगी छोटी छोटी स्क्वायर शेप्ड लाइक क्रिस्टल्स होते हैं वो, और जो सॉल्ट जो काफ़ी माइन्यूट पार्टिकल होते हैं, ये हमारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं. ओके, इनको तुम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते. ऑल्सो मोस्ट केमिकल्स यूज्ड इन द लेबोरेटरी आर प्योर. हमारे लैब्स पे भी जो केमिकल्स यूज होते हैं वो मोस्टली केमिकल्स हमारे प्योर होते हैं. एंड ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस. ओके, सो व्हाट आर एलिमेंट्स एंड व्हाट आर कंपाउंड्स. सो एलिमेंट्स इज द सिंपलेस्ट कंप्लीट केमिकल सब्सटेंस. ओके, एंड एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक ही टाइप ऑफ सब्सटेंस या फिर एटम से बने होते हैं. ओके, लाइक वी हैव कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, राइट. सो ये सिर्फ एक ही टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं और ये कहलाते हैं हमारे एटम्स. बट अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना होता है. यस, लाइक एलिमेंट्स में हम देख सकते हैं कि एलिमेंट्स है हमारा O2, ऑक्सीजन. ये सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना है, राइट. बट कंपाउंड्स में हम एग्जांपल ले सकते हैं H2O. ओके, H2O इज़ अ केमिकल फार्मूला फॉर वाटर. ओके, और यहाँ पे हमारे दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स हमारे एलिमेंट्स के मिक्सचर होते हैं. ओके, ऑक्सीजन हो गया हमारा एलिमेंट, वाटर हो गया हमारा कंपाउंड, और ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस. ओके, अ प्योर सब्सटेंस हैज़ अ डेफिनेट वेल डिफाइंड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज. अ सैंपल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस हैज़ द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट. ओके, तो अब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्योर सब्सटेंस की, लाइक कि प्योर सब्सटेंस का एक डेफिनेट और वेल डिफाइंड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं. ये होमोजेनस होते हैं. होमोजेनस मींस सेम टाइप ऑफ एटम्स के बने होते हैं हमारे प्योर सब्सटेंस, जैसे कि इन केस ऑफ शुगर एंड सॉल्ट. ये क्या होते हैं? ये सेम टाइप की सब्सटेंसेस से बने होते हैं, ठीक है. एंड ऑल्सो इनकी कंपोजिशन भी सेम होती है थ्रू आउट, क्योंकि ये बने ही एक टाइप के सब्सटेंस होते हैं, इसलिए इनकी कंपोजिशन भी सेम होती है. अ सैम्पल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस हैज़ द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट. ओके, सो we will just take a overview of mixture. Pure substances like there is not mixture, only one type of atoms or one type of substances there, but in mixture we have mixture of elements or compounds, right? Like an impure substance is a mixture of two or more substances. Like mixture, name से ही पता चल रहा है, mixture, mix of two things or more things. Like mixture of two or more substances is mixture, and also mixture is impure, right? Because pure substance में same kind of substance होते हैं, right? But यहाँ पर हमारे पास बहुत substances हैं, तो वो impure हो गया. Okay, and these substances are called constituents or components of the mixture. और ये जो substance इसमें present होते हैं, दो या दो से ज़्यादा जो present होता है, उन substances को हम constituents या components बोलते हैं. Okay, its example are milk is a mixture of water, cream, calcium, vitamins and so on. ओके, इसमें मिल्क का एग्जांपल दिया हुआ है कि उसमें लाइक वाटर भी होता है, क्रीम भी होती है, कैल्शियम भी होती है और विटामिन्स भी होते हैं. सिमिलरली जो हमारी एटमॉस्फेयर में जो एयर है
उस पे भी मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी मोर. ओके, सो सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड वेरियस सॉल्ट्स एंड सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, decayed remains of plants and animals and different salts. Okay, so इसमें और example दिए हुए, air का मैंने आपको बताया ही. Sea water में mixture होता है water का and salt का. Similarly, soil में भी sand होती है, clay होती है और remains होते हैं plants and animals के. Okay, so I think for today this is enough. And on page number 64, there is an activity, okay? And this activity is based on the topics that we have covered today. So, this is your homework, okay? Just read it out. Okay, I'll just explain that what is this activity. Okay, so in this activity, there are four processes of separation, like there are three columns, right? In first column, there are process of separation, like separating stones from rice, separating tea leaves, peeling of fruits, ginning of cotton. And in second and third column, there are, in second column, ki hum inke separation karte kyu hain, ye di gayi hai. And third mein, कि सेपरेशन करने के बाद जो कंपोनेंट्स आए, उन कंपोनेंट्स का हम क्या करते हैं, राइट? प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन करते क्यों हैं, और जो सेपरेशन करने के बाद जो कंपोनेंट्स बने, उन कंपोनेंट्स का क्या यूज़ होता है. सो इसमें सेकंड एंड थर्ड कॉलम जंबल्ड हैं और उन्हें आपको इन प्रोसेसेस से मैच करना है. इट्स मैच द फॉलोइंग टाइप्स. So this is your homework. Okay. Bye.